दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। मेरे पास है यहाँ पर मोटो G31 एंड दोस्तों इसको आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। तो हम इसका करने वाले हैं यहाँ पर कैमरा टेस्ट। अगर दोस्तों सबसे पहले बात करूँ इसके कैमरा की, तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है दोस्तों, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। इसमें दोस्तों आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है एंड दोस्तों वहीं बात करें 8 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको डेप्थ भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके मेन कैमरे की, जो आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सैमसंग वाला सेंसर देखने को मिलता है। तो भाई इसने जो 48 मेगापिक्सल के कैमरे आते थे उसको रिप्लेस कर दिया है कम्प्लीटली यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई जो 48 मेगापिक्सल का ज़माना था वो यहाँ पर गया। एंड दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर सैंपल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनामिक रेंज यहाँ पर क्लियरली विजिबल आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई ब्लूइश टिंट थोड़ा सा आपको दिखेगा, जो कि एक्स्ट्रा है यहाँ पर। जो पहाड़ियों में ग्रीनिश टिंट होना चाहिए था वो यहाँ पर ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है। एंड दोस्तों इनडोर शॉट यहाँ पर फुल लाइटिंग कंडीशन में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों जो यहाँ पर मुझे गड़बड़ी लग रही है वो ये है कि काफ़ी सॉफ्ट सी इमेज इसने निकाली है। अब दोस्तों ये प्रोसेसिंग ही फ़ोन कुछ ऐसी करता है कि भाई ये फ़ोटो यहाँ पर ऐसी बन जाती है। तो बाकी दोस्तों बात करें पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आउटडोर में आप यहाँ पर फ़ोटोज़ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ ये फ़ोन निकालता है। मैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इसके जो पोर्ट्रेट शॉट ये यहाँ पर निकालता है। एंड दोस्तों अभी फ़िलहाल फ्लिपकार्ट पर ये फ़ोन अवेलेबल है, अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हो वहाँ से। एंड नेक्स्ट शॉट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी यहाँ पर दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में मैंने लिया है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है इसकी काफ़ी सही है। एंड दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ब्लर मुझे कुछ खास दिखा नहीं, आप देख सकते हैं पीछे जो दीवार है दोस्तों उसको भी इसने ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर लिया है। दोस्तों इस फ़ोन में आप मैक्सिमम फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड तक। इसमें आपको 4K की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको EIS का सपोर्ट तो दिया गया है, लेकिन जब मैं आपको वॉक करके दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि EIS उतना अच्छे से वर्क करता नहीं है। तो कैमरे में दोस्तों थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो कि हो सकती है ईजिली यहाँ पर कंपनी के अपडेट के थ्रू। एंड दोस्तों अगर बात करूँ क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी में ऐसा कोई इशू नहीं है एंड फोकस भी यहाँ पर ये फ़ोन ईजिली कर लेता है। दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर लो लाइट में आपके लिए शॉट लेकर आया हूँ, आप इसे भी देख लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मोटो G31 के बैक कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। एंड अगर आप फोकस की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल फोकस देखने को मिलता है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर फोकस कर सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाती है। तो 13,000 के मुताबिक दोस्तों कैमरा आपको काफ़ी ठीक सा देखने को मिल जाता है, ऐसी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करने को यहाँ पर लग नहीं रही है। अगर छोटे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फोकस की बात करूँ तो वो भी ये फ़ोन कर लेता है। एंड दोस्तों चलिए आगे मिलते हैं थोड़ी और फ़ोटोज़ के साथ। तो दोस्तों ये मैंने पिक्चर्स आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट की है, ताकि आप यहाँ पर देख सकें कि भाई 8 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल वाले शॉट में कितना डिफरेंस रहने वाला है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा वाइड कैमरा काफ़ी ज़्यादा एरिया तो कैप्चर करता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर शिफ्ट भी आपको देखने को मिल जाता है इस कैमरा के साथ। दोस्तों मोटो G31 का फ्रंट कैमरा आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो भाई यहाँ पर बहुत ख़राब स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं आपको यहाँ पर वॉक करके दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा शेक फ्रंट कैमरा होता है, लेकिन जो क्वालिटी है फ्रंट कैमरे की वो आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाती है। एंड मोटो G60 से अगर आप कंपेयर या G40 से कंपेयर करोगे तो उस लेवल की तो दोस्तों नहीं है, लेकिन हाँ G40 के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। G60 थोड़ा ज़्यादा बेहतर है इससे, लेकिन अगर 13,000 रुपये के मुताबिक आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो काफ़ी सही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोटो G31 के फ्रंट कैमरे से, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। तो दोस्तों कोरोना यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इस टाइम आपको मास्क यहाँ पर प्रॉपर वियर करना है। एंड दोस्तों क्वालिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस टाइम ज़्यादा अंधेरा दोस्तों है नहीं है, लेकिन क्वालिटी आपको ठीक साफ सी देखने को मिलती है, ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों इसमें आप फ्रंट में टॉर्च भी यहाँ पर चला सकते हो।
दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए एक बार फिर से रिकॉर्ड करके लाया हूँ इस कैमरे से, क्योंकि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायनेमिक रेंज है वो आपको अच्छे से पता लगेगी वीडियो की, कि भाई कितनी डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि ब्लू स्टेंट तो भाई यहाँ पर आ ही रहा है, एंड अगर आप जूम करके देखो तो क्वालिटी यहाँ पर मैं कहूँगा कि एवरेज सी आपको देखने को मिलती है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं अगर आप जूम करते हो इस कैमरे से। तो नो डाउट दोस्तों 13,000 रुपये में ज़्यादा आप आशा भी क्या कर सकते हो, क्योंकि भाई इसमें और चीज़ें भी काफ़ी अच्छी आपको दी गई है। तो कैमरा सेगमेंट में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके की क्वालिटी देखने को मिलनी ही थी। एंड अगर आप बात करते हो यहाँ पर सेल्फी की, तो 13 मेगापिक्सल की दोस्तों इसमें सेल्फी देखने को मिल जाती है। ये पोर्ट्रेट शॉट मैंने यहाँ पर क्लिक किया है फ्रंट सेल्फी से, तो भाई थोड़ा बहुत एज डिटेक्शन में इशू आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बालों में दिख रहा है, बाकी वैसे कोई ज़्यादा यहाँ पर मुझे इशू दिखा नहीं। एंड नॉर्मल फ़ोटोज़ की अगर बात करूँ तो डायनामिक रेंज काफ़ी ठीक ठाक से आपको देखने को मिलती है। अगर आप स्किन टोन की बात करें तो नेचुरल है दोस्तों, रॉ जैसी फ़ोटोज़ यहाँ पर ये निकालता है। आपको अगर ज़्यादा यहाँ पर कलर चाहिए तो थोड़ी सी एडिटिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो भाई नाइट में तो बुरा हाल इस फ़ोन का, तो फ्रंट कैमरा दोस्तों नाइट में बिल्कुल भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई काम नहीं करता है। थोड़ी बहुत अगर लाइट होगी तो फिर यहाँ पर आप कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। तो भाई नाइट के लिए फ्रंट कैमरा बिल्कुल यहाँ पर ना के बराबर आप यूज़ करने की सोचेगा। तो अगर इसके फीचर्स की बात करें, इसमें आपको ड्यूल मोड देखने को मिलता है जिसमें आप कुछ इस तरीके की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। तो मोटो G60 और G40 में भी आपको देखने को ये मिलता है सेम फीचर, लेकिन उसमें आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो इस फीचर्स के साथ। तो ये दोस्तों एक फीचर है इसका। एंड दोस्तों नेक्स्ट है स्पॉट कलर। तो स्पॉट कलर में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप एक कलर यहाँ पर स्पॉट कर ले तो ये उसको ही बस यहाँ पर दिखाता है, बाकी चीज़ें यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये फ़ोटो आपके लिए क्लिक की है, एंड थोड़ा सा स्ट्रगल करता है इसको ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शॉट यहाँ पर इस बाइक का है, एंड ये दोस्तों बिल्कुल शाम के टाइम मैंने लिया था। अगर दोस्तों थोड़ी बहुत लाइट है तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर वर्क कर लेता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लो लाइट में चले जाते हो तो भाई बिल्कुल काम बिगड़ जाएगा। बात करें दोस्तों कि 50 मेगापिक्सल का जब आप शॉट लेते हो तो डिटेल कितनी कैप्चर करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रास्ट लेवल तो काफ़ी सही है ये फ़ोन निकालता है, लेकिन अगर आप जूम करें तो मुझे ठीक ठाक सी क्वालिटी लगी है, जितनी रियलमी 8i देता है उसके बराबर की क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सेम ही सेंसर का प्रयोग किया गया है, तो क्वालिटी में दोस्तों मुझे ज़्यादा कोई डिफरेंस लगा नहीं रियलमी 8i और जो दूसरे फ़ोन आए हैं 50 मेगापिक्सल के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये भी एक 50 मेगापिक्सल के शॉट वाली फ़ोटो है। अब इसको मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कितनी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी एंड कितना यहाँ पर आप जूम कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।